आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में कि हम लोग कैसे कट कर सकते हैं, कैसे कॉपी करते हैं और कैसे पेस्ट करते हैं। और ये जानने के बाद हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट की हेल्प से इस तरह का एक हम लोग बॉल भी बनाएंगे। ये बॉल आज हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट की हेल्प से बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमएस पेंट को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे पेंट को, तो सर्च कर PAINT टाइप करेंगे और यहाँ पे हमारा पेंट आ जाएगा। पेंट में क्लिक करेंगे तो ये हमारा एमएस पेंट ओपन हो गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे कट के बारे में, फिर कॉपी और फिर पेस्ट। यहाँ पर हम कोई भी एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक बॉक्स बनाया। इसके बाद इस पर हम कुछ कलर फिल कर देते हैं, जैसे रेड रेड कलर फिल कर दिए। कॉपी पेस्ट की हेल्प से हम लोग एक फ़ोटो से दो तीन चार इससे बहुत सारा फ़ोटो हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फ़ोटो बनाया। अब सेम ऐसा ही फ़ोटो हमें एक और चाहिए। तो सबसे पहले हमें कॉपी पेस्ट करने से पहले सबसे पहले फ़ोटो को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग दो तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो बॉक्स वाला सिलेक्ट या फिर जो फ्री फॉर्म सिलेक्ट होता है। तो हम लोग रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का यूज़ करेंगे और बॉक्स सिलेक्शन करेंगे। तो वहाँ पे सिलेक्शन में क्लिक करने के बाद हम लोग ऐसे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो ये हमारा हाईलाइट हो गया। अगर यदि हम सिलेक्ट नहीं करते, सिलेक्ट को हटा देते हैं, तो ये हमारा काम नहीं करता है। तो कॉपी पेस्ट करने से पहले सबसे पहले फ़ोटो को सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से करेंगे कॉपी या तो कट। अगर यदि हम कट में क्लिक करेंगे तो फ़ोटो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और अगर यदि कॉपी में क्लिक करेंगे तो फोटो हमारा डिलीट नहीं होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले कट में क्लिक करके देखते हैं। जैसे हम लोग कट में क्लिक करेंगे और कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X। कीबोर्ड में यदि कंट्रोल के साथ कंट्रोल बटन दबा करके रखेंगे और एक्स बटन दबाएंगे तो अभी कट हो जाएगा। अगर यदि हम माउस से कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल कट में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कट में क्लिक करेंगे, देखो फोटो यहाँ से डिलीट हो गया है। अब फोटो को लाने के लिए हमें यहाँ पेस्ट में क्लिक करना होगा। जैसे हम लोग पेस्ट में क्लिक करेंगे तो वो फोटो हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको ड्रैग करके इधर ले आते हैं, और हमें एक ही बार कॉपी या तो कट में क्लिक करना होता है। उसके बाद हम जितना बार पेस्ट में क्लिक करेंगे, ये फोटो एक के बाद एक हमारा आते रहेगा। यदि हम फिर से पेस्ट में क्लिक करेंगे तो हमारा एक फ़ोटो और आ जाएगा। अगर यदि हम फिर से पेस्ट में क्लिक करेंगे तो मतलब जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार ये फ़ोटो हमारा आ जाएगा। तो कॉपी पेस्ट से हम लोग एक एक फ़ोटो से बहुत सारा फ़ोटो बना सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है कट और पेस्ट। तो हमने देखा था कि जैसे हमने कट में क्लिक किया, फ़ोटो हमारा डिलीट हो गया था। अब हम देखेंगे कि कॉपी से क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से एक न्यू पेज ले लेते हैं। फाइल में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे तो हमें एक न्यू पेज मिलेगा। यहाँ से डोंट सेव कर देते हैं, ये हमें एक न्यू पेज मिला। हमने तो कट देख लिया, अब हम लोग कॉपी देखेंगे। तो कॉपी करने के लिए भी हमें कोई भी एक फ़ोटो का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम इस तरह का एक फ़ोटो बना लेते हैं, कोई भी फ़ोटो बना सकते हैं। उसके बाद इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, मान लो हम ग्रीन फिल कर दिए। अब देखो, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा, तो हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले फ़ोटो को। यहाँ से फ़ोटो को हम लोग सेलेक्ट किए। अब इस बार हम कट में क्लिक नहीं करके हम लोग कॉपी में क्लिक करेंगे, और कॉपी करने का शॉर्टकट होता है कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और उसके साथ सी दबाएंगे। Ctrl+C दबाएंगे तो हमारा कॉपी हो जाएगा। या तो हम सिंपल माउस से क्लिक करेंगे ना, तो जैसे हम लोग कॉपी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये फ़ोटो कॉपी हो गया। अब इसको हम लोग इसको साइड कर देंगे। अब हम पेस्ट में क्लिक करेंगे, तो जैसे ही पेस्ट में क्लिक करेंगे हमारा वो फ़ोटो एक से दो हो जाएगा। फिर से पेस्ट में क्लिक करेंगे तो दो से तीन हो जाएगा। फिर से पेस्ट में क्लिक करेंगे तो तीन से चार। तो इस तरह से हमारा कट, कॉपी और पेस्ट काम करता है। मतलब एक फ़ोटो से अनेक फ़ोटो बनाना हो तो हम लोग कट और कॉपी का यूज़ करते हैं, और पेस्ट का। कट में क्लिक करने से ये फ़ोटो यहाँ से डिलीट हो जाता है, और फिर पेस्ट में क्लिक करेंगे तो फिर वो आ जाता है। और कॉपी में क्या होता है कि फ़ोटो डिलीट नहीं होता है, वो हमारा स्क्रीन में रहता है। तो आज हमने इस वीडियो में ये जान लिया कि कट, कॉपी और पेस्ट किस तरह से काम करता है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, क्रॉप, रीसाइज और रोटेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो का वेट करें।